गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सब भले चंगे हैं? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंग्लिश का एक पोएम व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू विल गेट मच ऑफ द इंटरेस्ट हियर एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इट मींस दिस इज द पोएट हु हैज रिटन दिस पोएम। लेट अस कम टू द पोएट एंड एंजॉय इट by reading the poem line by line. A legend of the Northland। लेजेंड का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो बहुत पुरानी हो, समथिंग विच इज़ वेरी ओल्ड और जो पीढ़ी दर पीढ़ी कही जा रही हो। और नॉर्थलैंड का मतलब क्या है यहाँ टाइटल में? नॉर्थलैंड इज़ अ कंट्री, नॉर्थलैंड एक देश का नाम है, अर्थात नॉर्थलैंड में कही जाने वाली एक कहानी, पौराणिक कथा जो मौखिक तौर पर, परंपरागत तौर पर दादा नानियों की जो कहानी कही जाती है उस तरह की कहानी। और ये जो पोएम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसको लिखा है फोइबे कैरी ने और आप देख सकते हैं फोइबे कैरी का पिक्चर हियर, दिस इज द पोएटेस। और हम लोगों को पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले, लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करें, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर सबसे पहले पोएट के बारे में जानते हैं। तो फोइबे कैरी वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये हम लोगों को ध्यान में रख लेना है कि द पोएटेस इज एन अमेरिकन। एंड इनका बर्थ हुआ था September 4, 1824 में और डेथ हुआ July 31, 1871 में। पोएम की बात करें तो पोएम का इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोगों को यह जानना है कि जो पोएम होते हैं वो कई तरह के पोएम होते हैं, पोएम के भी कई काइंड्स होते हैं। अभी से आपको यह चीज़ को जान लेना है सो दैट अगर आप आगे चलकर लिटरेचर पढ़ते हैं आफ्टर 12th क्लास तो आपको इन सारी चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो यह पोएम जो है वो एक बैलेड है, यानी बैलेड इज़ अ काइंड ऑफ पोएम। बैलेड जो होता है वो कविता का एक प्रकार होता है। और अब ये बैलेड होता क्या है? तो बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। जो बैलेड होता है वो एक गीत की तरह होता है और इसमें छोटे छोटे स्टैंजास होते हैं। एंड बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ए फोक कल्चर कहानी हमारे जो देश में, अगर अपने देश की भी बात करें ठीक है, तो जो गांव देहात के इलाकों में कई तरह की पौराणिक कथाएं होती हैं कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया, कई चीज़ों को लेकर के, पक्षियों से वो जुड़े होते हैं या जानवरों से जुड़े होते हैं, है ना? तो इस तरह की जो कहानियां होती हैं उसी को हम लोग बैलेड कहते हैं। और एक एक गीत के रूप में होता है जो कई रूपों में गाया जाता है। खास करके मैं अपने विद्यार्थियों के लिए यहाँ कहूँगा कि जो बिल्कुल गाँव से हैं वो देखे होंगे कि दीपावली या होली के अवसर पर कुछ गीत गाए जाते हैं। खास करके मुझे याद है कि दीपावली में जानवरों के बीच में जो चरवाहे होते हैं ना वो एक तरह के गीत गाते हैं, उनका जो लय होता है वो आसानी से तो समझ में नहीं आने वाला होता है लेकिन अगर आप गौर करें तो वो एक कहानी कह रहे होते हैं उस गीत के माध्यम से। बैलेड इज समथिंग लाइक दैट। तो अभी पोएम के बारे में आपको इतना ही इंट्रोडक्शन जानना है और पोएम को हम अच्छी तरह से समझ सकें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए, इसके लिए भी यह आवश्यक है कि हम लोग इसके वोकेबलरीज को यानी वर्ड्स को समझ लें। तो वर्ड्स को मैं यहाँ लिखा हूँ और मैं कोशिश किया हूँ कि सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके लिए हो सकते थे उसका मैंने यहाँ नोट्स आपको बना कर दिया है, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन यहाँ नहीं करने वाला हूँ। मैं सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करूँगा वाइल एक्सप्लेनिंग द पोएम, जब मैं पोएम को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इन सारे वर्ड्स को नोट कर लेना है अपनी कॉपी में और जब पोएम को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँगा तो आपको देखना है उन सारे वर्ड्स को, ताकि वो वर्ड्स आपको पोएम के कंटेक्स्ट में, पोएम के संदर्भ में आपको याद रह जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपका देख रहे होंगे कि वोकैबुलरीज है और दिस इज द पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। कहता है पोएट, कहते हैं अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, यानी यहाँ से दूर दूर कहाँ, नॉर्थलैंड में। नॉर्थलैंड किस चीज़ का नाम है? तो भाई देश का नाम है। तो नॉर्थलैंड में क्या होता है? वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन छोटे होते हैं एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े में
जो रातें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं। हमारे यहाँ भी क्या होता है, जाड़े की ऋतु में दिन बहुत ही छोटे होने लगते हैं, यानी उनके घंटे कम होते हैं, समय कम होता है, देर से सुबह होती है और जल्द शाम हो जाती है। उसी तरह नॉर्थलैंड जो कि एक ठंडा प्रदेश है, ठंडा देश है ना, जहाँ बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ जाड़े के दिन में जो दिन होते हैं इतने छोटे होते हैं और रात इतनी बड़ी होती है दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वहाँ के जो निवासी हैं वो पूरी रात नींद नहीं ले सकते क्योंकि रात इतनी बड़ी है कि उतनी देर सोया नहीं जा सकता। एंड वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रियंडर, और चूंकि वहाँ बर्फ गिरती है, स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, इसलिए वो हार्नेस करते हैं स्विफ्ट रियंडर को। हार्नेस का मतलब होता है जोतना, जैसे हम अपने बैलों को बैलगाड़ी में या हल में जोतते हैं, हार्नेस करते हैं। स्विफ्ट मतलब होता है तीव्र चलने वाला, तीव्र गति से, बिल्कुल जो तीव्र होता है। रियंडर इज अ काइंड ऑफ डियर, एक हिरन का, वो एक तरह का हिरन होता है जिसका पिक्चर मैंने यहाँ आपको लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरह के हिरन को वो जोतते हैं किस चीज़ में, टू द स्लेजेस। स्लेज क्या होता है, स्लेज होता है इस तरह की, जो यहाँ मैंने पिक्चर दिया है कि देख रहे हैं, एक सरकने टाइप की गाड़ी जो बर्फ में ही चलती है ना। तो एक स्लेज में वो हिरन को हार्नेस कर देते हैं। व्हेन इट स्नोज, कब, जब बर्फ पड़ती है, बर्फ गिरती है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और जो बच्चे होते हैं वो भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं, कब, इन देयर फनी, फनी मतलब मज़ेदार, फनी मतलब रोएदार, फनी मतलब मज़ेदार और फनी मतलब रोएदार, क्लॉथ्स मतलब कपड़े में। जाड़े में क्या होता है कि जो हम स्वेटर वगैरह पहने होते हैं, विशेष तौर पर बच्चे जो पहनते हैं, उनकी टोपी में देखे होंगे आप चोटी की तरह लगता है, या अलग अलग के डिज़ाइन बना होता है, कोई मंकी कैप है, कोई बियर कप है, कोई टाइगर कप है, इस तरह से जो बच्चे उलेन क्लॉथ्स जो पहने होते हैं, फर वाला यानी रोआदार वाला, वो बड़े अच्छे प्यारे लगते हैं बच्चे, बियर्स कप्स की तरह लगते हैं, यानी भालू के बच्चे की तरह लगते हैं वहाँ के बच्चे जाड़े के दिन में। एंड दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, और वहाँ के जो बड़े लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो एक अजीब सी कहानी उन्हें सुनाते हैं, इन बच्चों को क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। और पोएटेस यहाँ कहती हैं कि आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, या दिस लिखा हुआ है TIS है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है दिस TIS, कहते हैं पोएटेस की मैं नहीं मानती, आई डोंट बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, मैं यह नहीं मानती कि यह कहानी सच है। लेकिन पोएटेस क्या कहती हैं कि मैं नहीं मानती कि यह कहानी सच है, एंड इट, और वो कहती हैं कि फिर भी यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप एक सबक सीख सकते हैं, एक पाठ सीख सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं, इफ़ आई टेल द टेल टू यू। यहाँ देखिए दो टेल है, TELL, टेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कहना, और TALE, ए टेल का मतलब होता है अ स्टोरी, इस टेल का मतलब होता है अ स्टोरी है ना, ये जो टेल है TALE, और TELL इसके पहले जो है उसका मतलब होता है कहना। तो बड़ी आसानी से आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज होने से सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो पोएटेस ने क्या कहा कि नॉर्थलैंड में एल्डरली पीपल बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं जिसे मैं नहीं मानती कि वो कहानी कोई सच्चाई पर आधारित है, कोई सत्य कहानी है, लेकिन फिर भी उस कहानी को अगर सुना जाए तो एक सबक सीखा जा सकता है। कहते हैं वो कहानी अब क्या है, पोएटेस कहती हैं, वंस मतलब एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब सेंट पीटर दिस इज द पिक्चर, ये जो सेंट पीटर है ना, ये रहते थे, कहाँ रहते थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, यानी इस संसार में रहते थे, यानी वो जीवित थे, एंड वॉकड अबाउट इट, और इस संसार में इधर उधर टहला करते थे, जाया करते थे, क्या करते हुए, प्रीचिंग, प्रीच मतलब क्या होता है, प्रवचन करना, प्रीच मतलब क्या होता है, प्रवचन करना, यानी वो प्रीच करते हुए, प्रीचिंग करते हुए जाया करते थे, इस संसार में घूमते थे, जस्ट एज ही डीड, जैसा कि वो कहा किया करते थे। संत का काम क्या होता है, प्रवचन देना, लोगों को ज्ञान बांटना, तो वो इधर उधर जा करके लोगों को ज्ञान की बातें, धर्म की बातें बताया करते थे। एक दिन क्या हुआ, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, पोएट कहते हैं कि एक दिन वो एक झोपड़ी, कॉटेज की दरवाजे पे, यानी झोपड़ी के दरवाजे पे आए, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो इस संसार का चक्कर लगा रहे थे, वेयर यानी उस झोपड़ी में, अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, एक छोटी सी बूढ़ी महिला
क्या कर रही थी, केक बना रही थी, ठीक है, इस तरह की महिला, ठीक है, लिटिल वुमन क्या कर रही थी, केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ मतलब होता है चूल्हा, ये हर्थ का मतलब चूल्हा, ठीक है, तो और उस केक को वो हर्थ पर बेक कर रही थी, बेक रही थी मतलब सेंक रही थी, पका रही थी, ठीक है, ऐसा कर रही थी वो। और क्या हुआ आगे, आगे कहते हैं एंड बींग फेंट विथ फास्टिंग, जो सेंट पेटर थे वो फास्टिंग यानी उपवास, भूख कुछ नहीं खाने के कारण फेंट हो रहे थे, फेंट मतलब मूर्छित सा हो रहे थे, बेजान सा हो रहे थे, बेहोश सा हो रहे थे, फेंट मतलब बेहोश होना होता है, मूर्छित होना होता है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन बिल्कुल बीत चुका था भटकते भटकते, एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, और जो सेंट पेटर थे उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो भूख से बिल्कुल मूर्छित होने वाले थे। ही आस्क्ड हर, और उन्होंने क्या किया, मांगा, आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो सेंट पेटर ने उस लिटिल वुमन से, उस महिला से, ओल्ड लिटिल वुमन से, बूढ़ी महिला से मांगा उसके स्टोर ऑफ केक्स, यानी जहाँ वो संग्रह कर रही थी केक को बना बना करके, ठीक है, जहाँ वो केक रखती थी वहाँ से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, एक छोटा सा केक देने के लिए कहा, दिस इज द केक, है ना। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, लेकिन क्या था दिक्कत कि वो जो वुमन थी, वो जो महिला थी, सी वॉज अ माइजर वुमन, वह एक कंजूस महिला थी, तो वह सोची कि मुझे देना है, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया, सी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उस केक को उसने पकाया, सी लुकड एट इट, और उसे वो देखी, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और उस महिला ने सोचा कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा हो गया, टू लार्ज, इतना बड़ा हम देंगे सेंट पेटर को, उस महिला के मन में लालच हो गया, भले उसने छोटा बनाया था लेकिन फिर भी उसको लगने लगा कि नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा देने के नाम पर, होता है ना कि देने के नाम पर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, लेने के समय लोगों को कम लगता है, देते समय ज़्यादा लगता है। सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद दैट वुमन, उस महिला के साथ यही हो रहा था कि देने के नाम पर उसे लग रहा था कि मैं ज़्यादा दे रही हूँ। देयरफोर, इसलिए चूंकि उसको ज़्यादा लग रहा था, सी नीडेड अनदर, उसने दूसरा आटा का गोला लिया, ठीक है, एंड स्टील अ स्मॉलर वन, उससे भी छोटा लिया, बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब वो उसे बनाती थी तो चाहे वो जितना छोटा लेती थी, जिसको हम लोग लोहिया बोलते हैं, जितना छोटा भी लोहिया लेती थी और जब बनाती थी तो वो क्या दिखता था, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वो उतना ही बड़ा दिखने लगता था जितना कि उसका पहले वाला केक बने हुए थे, देने के नाम पर सभी केक उसको बड़े लग रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ भाई, देन सी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ, तब उसने कुछ ज़्यादा ही छोटा स्क्रैप लिया, टाइनी, टाइनी मीन्स होता है वेरी स्मॉल, TINY, टाइनी मीन्स होता है वेरी स्मॉल, और डफ मीन्स होता है गुथा हुआ आटा, स्क्रैप मीन्स टुकड़ा, यानी स्क्रैप मीन्स यहाँ आप समझ सकते हैं जिसको रोटी बनाने के लिए हम लोग गुथे हुए आटे को कैसे छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग लोइया करना कहते हैं। एंड रोल्ड इट फ्लैट, रोल्ड मतलब होता है बेलना, और उस आटे को छोटे से टुकड़े को यानी छोटे सा लोइया बनाई वो, और उसे बेलने लगी, रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, उसे बेल करके बड़ा बनाने के लिए कि ज़्यादा बड़ा बना देंगे वेफर बना दी, वेफर एक तरह से पापड़ की तरह पतला होता है, पापड़ कर सकते हैं आप, पापड़ की तरह पतला कर दी, बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन दिक्कत ये है कि उतना पतला बनाने के बाद भी उस महिला को वो वाली चीज़ भी नहीं दिया गया, वो नहीं पार्ट कर पाई, यानी अलग नहीं हो पाई अपने केक से, अपने केक को दे नहीं पाई, बिकॉज सी वॉज अ ग्रेट माइजर, बड़ी कंजूस थी। फॉर सी सेड, उसने कहा, वो महिला अपने आप से कह रही है, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, ये मेरे केक जब मैं खुद खाती हूँ तो कितने छोटे लगते हैं, आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन देते समय कितने बड़े लगने लगते हैं, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उस पतले से केक को भी वह रेक पर रख दी, सेल्फ पर रख दी, यानी अपने स्टोर जहाँ वो करती थी जमा बना बना कर वहाँ रख दी। देन गुड सेंट पेटर ग्रीव एंग्री, अब सेंट पेटर से नहीं रहा गया और वो गुस्सा हो गए। फोर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और व्याकुल थे भूख से,
फेंट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल मूर्छित जैसा हो जाना, तो थूक से वो बिल्कुल व्याकुल थे, मूर्छित होने जैसा उनको महसूस हो रहा था। फोर एंड श्योरली सच ए वुमन एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोकेशन। और इस तरह की महिला जो इतनी कंजूस हो वो तो वास्तव में प्रोवोक करने के लिए काफ़ी है। प्रोवोक मतलब गुस्सा दिलाना, टू मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना। सेंट एक संत को, SAINT सेंट मतलब संत, इनफ मतलब पर्याप्त, यानी इस तरह की एक महिला किसी संत जैसे व्यक्ति को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त है जो कि इतनी कंजूस है, संत के मांगने के बाद भी थोड़ा सा भी देने के लिए उसको तैयार नहीं है। तो सेंट पीटर हो गए गुस्सा और उन्होंने क्या किया, एंड ही सेड, सेंट पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। उन्होंने कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो, यू आर फार टू सेल्फिश मतलब बहुत ही अधिक सेल्फिश हो, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, टू ड्वेल मतलब रहने के लिए, इन ह्यूमन फॉर्म कि मानव रूप में तुम रहने लायक नहीं हो, यानी कोई मानव इतना स्वार्थी हो सकता है ऐसी नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर और मानव के रूप में तुम्हें खाने और रहने को जगह मिले, एंड फायर टू कीप यू वार्म और आग तुम्हें मिल जाए अपने आप को गर्म रखने के लिए। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थलैंड की ये लेजेंड है, नॉर्थलैंड में कही जाने वाली ये बैलेड है, तो वहाँ पहले ही मैंने बताया शुरू में ही ओपनिंग स्टेंजा में कि दैट इज़ अ कोल्ड कंट्री, वहाँ बर्फ गिरता है, ठंडी जगह है, इसलिए वहाँ आग मिलना भी यानी फायर का अरेंजमेंट हो जाना भी एक बहुत बड़ी सुख है। जैसे हमारे जीवन में, सबके जीवन में भोजन और कपड़े की आवश्यकता है, उसी तरह नॉर्थलैंड जैसे कंट्रीज में फायर यानी आग मिल जाना, आज तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का युग है तो सबके घर में हीटर मिल जाएगा, लेकिन पहले क्या था, आग मिल जाए तो वो सुख है। अगर वो किसी के पास आग का प्रबंध नहीं है, इट मीन्स वो कष्ट वाला जीवन जी रहा है। तो इसलिए यहाँ सेंट पीटर ने कह दिया कि तुम इतने स्वार्थी हो कि तुम मानव जीवन में, मानव रूप में रहने लायक नहीं हो, और तुम्हें भोजन मिल जाए, तुम्हें रहने को जगह मिल जाए और तुम्हें आग मिल जाए, इसके योग्य तुम नहीं हो, इसके काबिल नहीं हो। सो सेंट पीटर ने कहा, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, इसलिए तुम अब जैसे बर्ड्स करते हैं यानी चिड़िया अपने घर को बनाते हैं, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और चिड़िया जैसे दाने दाने तिनके तिनके चुनते हैं भोजन के रूप में, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोर करना मतलब छेद करना, यानी देखते होंगे बहुत सारी चिड़िया जो होती हैं मिट्टी खोदते रहती हैं या लकड़ी खोदते रहती हैं और उससे कीड़े मकोड़े वगैरह निकाल करके अपना भोजन पाते रहती हैं, यानी बहुत उनको मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह से सेंट पीटर ने कह दिया उस उमन के लिए कि तुम्हें भी एक चिड़िया की तरह मेहनत करना होगा, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन किस चीज़ में, ड्राई वुड यानी सूखे लकड़ी में, जैसे वोट पेकर होता है, कठफोड़वा होता है, एक पक्षी होता है जो काठ में ठक 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 मारते रहता है ना, वो भोजन भी उसी से पाता है यानी काट को तोड़ करके अंदर जो कीड़े होते हैं उसको चुन करके वो खाती है वो चिड़िया वोट पेकर, और उसी काट काट में छेद करके होल करके अपने रहने का जगह भी बनाती है। और इस तरह से क्या कर दिया सेंट पीटर ने, उस लिटिल वुमन को श्राप दे दिया, कर्स कर दिया कि जाओ तुम चिड़िया बन जाओ और तुम्हें भी अब क्या करना होगा खाने के लिए और रहने के लिए, उस वोट पैकर की तरह दिन भर सूखी लकड़ी में, सख्त लकड़ी में, हार्ड ड्राई वुड में बोरिंग करना पड़ेगा यानी ठक 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 करते रहना पड़ेगा देन। और ठीक जैसे सेंट पीटर ने किया, अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, वो बूढ़ी महिला जो केक बना रही थी वो चिमनी से बाहर निकल गई, ऊपर जो चिमनी था, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कभी कोई शब्द ना बोलते हुए, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, क्योंकि चिमनी के ऊपर से एक वुड पेकर यानी कट फोड़वा पक्षी उड़ा, फोर सी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि वो जो महिला थी वो एक चिड़िया में, एक बर्ड में बदल गई थी, वो कौन सा बर्ड था, वुड पेकर यानी वुड पेकर में वो बदल गई थी। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और स्कारलेट कैप, स्कारलेट मतलब क्या, बिल्कुल चमक, जैसे मुर्गे के सर पर आ जाता है उसी को स्कारलेट कहते हैं, स्कारलेट मतलब जो बिल्कुल गहरा लाल चमक लिए हुए लाल जो होता है उसको स्कारलेट कहते हैं, और जैसा कि आज पिक्चर में भी देख रहे होंगे स्कारलेट कैप उसके आ गया, एंड दैट वाई लेफ्ट द सेम, और उसी तरह से हमेशा उसके क्या था,
रह गया, यानी वो जो महिला थी वो उस समय एक टोपी पहने हुई थी और वो टोपी हमेशा उसके सर पर रह गया, ऐसा पोएट्रेस कहना चाहती हैं। अर्थात आप देखते होंगे कि वोट पेकर के सर पे भी वो रहता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वेयर बर्न, लेकिन बाकी के उसके सारे कपड़े जल गए, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लैम, उसी चूल्हे की आग में, उसी चूल्हे की आँच में बिल्कुल जलकर कोयले की तरह हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, पोएट्रेस कहती हैं कि आज प्रत्येक गांव के स्कूल जाने वाले लड़के, कंट्री स्कूल बॉय, देहात में स्कूल जाने वाले लड़के हैं, हैज सीन हर इन द वुड, उसे देखा है, कहाँ देखा है, वुड में। वुड मीन्स क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, WOOD, वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, वुड का मतलब फॉरेस्ट भी होता है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वो रहती है, वो कौन, वो लिटिल वुमन, वो छोटी सी महिला, टिल दिस वेरी डे, आज भी पेड़ों पर वो महिला रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, क्या करते हुए, लकड़ी में छेद करते रहती है, लकड़ी पर अपने चोंच से, जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, फूड के लिए, भोजन के लिए बोरिंग कर रही होती है। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस पोएम वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।